अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अयोध्या में जो ध्वजारोहण होना है वह झंडा हजारीबाग में बन रहा है। बहुत जल्द ही उस ध्वज को अयोध्या लेकर यहां से राम भक्त निकलेंगे। बड़ी बाजार के वीर वस्त्रालय में झंडा का निर्माण कराया जा रहा है। वीर वस्त्रालय पिछले 50 सालों से झंडा बनाने का व्यवसाय कर रहा है। 3 पीढ़ी के लोग इसमें लगे हुए हैं। इस दुकान की खासियत यही है कि झंडा गुलाम जिलानी बना रहे हैं। वे भी इस बात को लेकर बेहद खुश हैं कि उनका बनाया हुआ झंडा अयोध्या में लगने वाला है। बता दें कि 40 फीट लंबा और 42 फीट चौड़ा झंडा बनाने का ऑर्डर नवल किशोर खंडेलवाल ने दिया है। नवल किशोर खंडेलवाल 81 वर्ष के हैं। वे खुद झंडा लेकर अयोध्या जाने वाले हैं। नवल किशोर खंडेलाल बताते हैं कि जब बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए कार सेवक निकले थे तो रास्ते में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 3 महीने तक हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। आज राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे में सुखी का ठिकाना नहीं है। जिसके लिए उन लोगों ने लड़ा था वह सपना आज पूरा हो रहा है। झंडा बनाने में 115 मीटर कपड़ा लगा है। इसमें 2 मूर्ति बनाए गए हैं। एक मूर्ति बजरंग बली की है जो 6 फीट की है। दूसरी 4 फीट की मूर्ति भगवान श्री राम लक्ष्मण और बजरंग बली की है जिसे आकर्षक रूप से सजाया गया है। बताया जाता है कि इस झंडे को लगाने के लिए 100 फीट से ऊंचे बांस की आवश्यकता पड़ेगी। वीर वस्त्रालय की संचालक देवेंद्र जैन बताते हैं कि हजारीबाग की रामनवमी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और वहां बना हुआ झंडा अयोध्या पहुंच रहा है। ऐसे में यह खुशी और श्रद्धा की प्रतीक है। गुलामी जिलानी पिछले 3 पीढ़ी से हनुमान झंडा बना रहे हैं। अयोध्या में जो झंडा जा रहा है उसे भी गुलाम जिलानी ने बड़ी शिद्दत के साथ बनाया है। उनका भी कहना है कि जब यह झंडा अयोध्या में लहराएगा तो हजारीबाग के राम भक्तों का सीना चौड़ा हो जाएगा। बड़े ही शिद्दत और मोहब्बत से झंडा बनाया गया है। उनका यह भी कहना है कि भले ही समाज हिंदू और मुस्लिम में बंट रहा है लेकिन हजारीबाग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हजारीबाग की पहचान रामनवमी जुलूस से है। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। 48 घंटा तक जुलूस सड़क पर रहता है। लाखों राम भक्त नाचते गाते श्री राम का जन्मोत्सव मनाते हैं। उसी धरती से ध्वज बनकर अयोध्या जा रहा है जो राम भक्तों के लिए भी गर्व की बात है।